मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड, एक्सिस बैंक में आप इंटरनेट बैंकिंग कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्सिस बैंक। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे लॉगिन और रजिस्टर दोनों का ऑप्शन आ रहा है। लॉगिन अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा अभी तक बना नहीं है, तो मैं इसलिए रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप चाहे तो कस्टमर आईडी या मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं कस्टमर आईडी डाल करके लॉगिन करूँगा। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन आएगा डेबिट कार्ड का नंबर सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं डेबिट कार्ड का नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एटीएम पिन पूछा जाएगा, मैं एटीएम पिन भी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद एक्सपायरी डेट डेट भी सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद तीनों को टिक करके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे पासवर्ड पूछा जा रहा है, जैसा कि मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। पासवर्ड आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर और कोई लेटर होना चाहिए। तो जैसा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे अपने हिसाब से पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे कि मैं फिलअप कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू सबमिट। उसके बाद सक्सेस योर पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुल्ली, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। उसके बाद गो टू लॉगिन पेज, लॉगिन आईडी डाल करके इसको खोलूँगा। फ्रेंड्स, लॉगिन आईडी वही होता है आपका कस्टमर आईडी। तो मैं अपना कस्टमर आईडी यहाँ पे और पासवर्ड जो आपने अभी बनाया, उसके बाद लॉगिन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा अकाउंट का नंबर और बैलेंस शो कर रहा है। यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट्स में जाकर अपना पूरा व्यू चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक एवं कमेंट जरूर करें। थैंक यू।